हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आदिवासी क्षेत्र में डिजिटल इंडिया में नेटवर्क का झोल खुल रही पोल। आदिवासी क्षेत्र में डिजिटल इंडिया नेटवर्क के अभाव में छलावा साबित हो रही है। पेंशन आदि देने पहुंचे कार्मिकों को कनेक्टिविटी नहीं मिलने से दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नेटवर्क के अभाव में आदिवासी विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिए जूझ रहे हैं। भाकर क्षेत्र के पापा गांव की रतोरा फली के एक वृद्धा को पेंशन दिलवाने के लिए परिजन उसे चारपाई पर डालकर 3 किलोमीटर दुर्गम पहाड़ी पर पहुंचे पेंशन देने पहुंचा कार्मिक पहाड़ी क्षेत्र में नेटवर्क की तलाश कर इधर उधर घूमता रहा। आबू रोड तहसील के 24 गांव के भाका क्षेत्र में आजादी के 75 वर्ष के संसार क्रांति दम तोड़ती प्रतीत हो रही है। चारपाई पर सफर। पापा गांव के रतोरा गली निवासी वृद्धा मोतली पत्नी भाणा गरासिया की वृद्ध अवस्था पेंशन लेकर कार्मिक मौके पर पहुंचा। नेटवर्क नहीं होने से परिवार के सदस्य इंडिया पोस्ट पेमेंट के डाकिया के साथ महिला को चारपाई पर लेटाकर 3 किलोमीटर दूर दुर्गम पहाड़ी पर लेकर पहुंचे, जहां आधार इनपल पेमेंट सिस्टम से अंगूठा लगाने के बाद कुछ मिनट के लिए चले नेटवर्क से डाकिया द्वारा न्यूनतम भुगतान किया गया। डिजिटलाइजेशन का सपना चकनाचूर। कुछ माह पूर्व आबू रोड के आदिवासी 24 गांव में नेटवर्क की उम्मीद जगी थी। गोपाला बेड़ा से निचलागढ़ के बीच भूमिगत केबल डालने का कार्य शुरू किया गया, लेकिन सप्ताह भर पूर्व दोनों ही गांव में स्थापित जीओ के टावर को सक्रिय किया गया, जिससे महज टावर से 1.5 किलोमीटर के बीच ही कनेक्टिविटी सीमित होकर रह गई। दरअसल डिजिटल इंडिया के दावे का सपना पहाड़ों के बीच साकार नहीं हो पाया। महीनों की जगी उम्मीदें दगा दे गई। नेटवर्क से महरूम गांव जायत्रा, उपला टाकिया, निचला टाकिया, निचला खेजड़ा, उपला खेजड़ा, दानपुर, पाबा, रणोरा, भमरिया, बूजा, जामबुड़ी, बोसा, कलोरा, उपली बोर, निचली बोर, मीन तलेटी, राणा, मथारा फली, कयारी आदि गांव आज भी नो नेटवर्क जोन का दंश झेल रहा है। ग्राम पंचायत पाबा के क्षेत्र में पमरिया, रणोरा, पाबा गांव आते हैं और कोई बीमार होता है तो हॉस्पिटल में जाने के लिए सुविधा नहीं होती है। फ़ोन से 108 को फ़ोन करना पड़ता है तो 3 किलोमीटर मगरी पे चढ़ना पड़ता है, तब जाके हम फ़ोन करते तो 108 बुलाई जा सकती है। और हमारे को शहरी इलाके में देखो तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई होती है, और हमारे ट्राइबल एरिया में भाखर में इस नेटवर्क की प्रॉब्लम होने से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलेगी। इसलिए हम दोहित्रा सरपंच और उपलाखेड़ा सरपंच और ग्राम पंचायत पाबा से सोमाराम जी निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे नेटवर्क की सुविधा कराई जावे। जागरूक टीवी की आबू रोड से खास रिपोर्ट।